चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्व मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। चलिए अगला अपडेट आ रहा, पंजाब सरकार का नया नियम, अब सुबह 7:30 बजे से ही खुलेंगे स्वास्थ्य विभाग के कार्यालय। 7:30 से लेकर दोपहर 2 बजे तक ये सभी कार्यालय का टाइम बदल चुका है, है ना। और मैं देखिए बड़ी चौंकाने वाली खबर सामने आ रही कि ISIS का प्रमुख अबू हुसैन अल कुरैशी मारा गया। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने ये बात की जानकारी दी है। एर्दोगन ने यह दावा किया कि सीरिया में घुसकर तुर्की ने ये काम तमाम कर दिया है। अच्छा, मैं देखिए अतीक अहमद मामले पर भी खबर आ रही है कि अतीक के बेटे अली से अब जेल में मिलने पर भी बैन लगा दिया है। होटल और रेस्टोरेंट में हिस्सेदारी के भी सबूत मिले हैं। गुट्टू मुस्लिम और उमेश पाल मामले पर अभी भी तफ्तीश चल रही है। अच्छा, सरकार की एक बड़ी घोषणा देखिए, नया फैसला, नया नियम है। RC ट्रैक करने के लिए मोबाइल अटैच कराने की सुविधा भी मिलेगी। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए सेवा केंद्र में भी अप्लाई कर सकेंगे। और ये दोनों नई सुविधाएं लागू की जा रही पंजाब सरकार की तरफ से। आम लोगों की सहूलियत को देखते हुए सेवा केंद्र से अपॉइंटमेंट लेने की सुविधा शुरू कर दी है। और हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के अलावा RC ट्रैक करने के लिए मोबाइल नंबर DL से अटैच करने के साथ ही दो अन्य नई सर्विसेज भी शुरू किए गए हैं। वह देखिए, कांग्रेस ने एक अनोखा कैंपेन शुरू किया, पेसीएम क्राई पीएम, मतलब पेटीएम की टीम पर ये देख सकते हैं। और इस कैंपेन के दौरान प्रियंका गांधी ने देश के पीएम मोदी को रोने वाला बताया था। कर्नाटक विधानसभा में पार्टियों ने प्रचार अभियान तेज कर दिया। तो देखिए आप, बसवराज बुम्बई ने भी इस पर जवाब दिया और कहा कि कांग्रेस तो 9 साल से रो रही है। अच्छा, ब्रिजभूषण और पहलवानों का जो मसला चल रहा है उस पर देखिए, पहलवानों का आंदोलन आज लगातार 9वें दिन भी जारी है। इनकी ये मांग है कि आखिर FIR दर्ज होने के बावजूद भी कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। और ब्रिजभूषण ने भी एक बयान जारी करते हुए कहा कि रेसलर्स की वजह से सारे टूर्नामेंट बंद हैं। उन्होंने कहा कि बेशक मुझे फंदे पर लटका दो, लेकिन गेम मत रोको, नेशनल कैंप लगाने दो। तो ये कुछ माहौल और अपडेट चल रहा है। और वह देखिए, बिहार के भी सासाराम में रामनवमी जुलूस के दौरान हुई हिंसा के मामले में भाजपा के पूर्व विधायक गिरफ्तार भी हुए हैं। और बड़ी खबर है, श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया। अब इसमें सारे केस की सुनवाई नए सिरे से होगी। तो वहीं श्री कृष्ण जन्मस्थान शाही ईदगाह जमीन विवाद केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वक्फ बोर्ड की याचिका भी वापस की और मथुरा कोर्ट से कहा कि सारे मामलों की नए सिरे से सुनवाई करें। अच्छा, इनकम टैक्स रिटर्न को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा है दोस्तों। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सरकार ने ऑफलाइन ITR 1 और ITR 4 फॉर्म जारी किए हैं। कुछ अहम बदलाव है, ज्यादा जानकारी आप इनकम टैक्स के पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा या वीडियो को थोड़ा पॉज करके देख सकते हैं कि ITR 1 का इस्तेमाल कहां होता है, 4 का इस्तेमाल कहां होता है, ठीक है ना। वैसे आपको बता दूं, इस साल से ही टैक्स स्लैब के भी नए रिजीम लागू हो चुके हैं। इस साल सरकार ने बजट जारी किया था, उसके बाद से ही इनकम टैक्स के सारे स्लैब बदल चुके हैं। 3 से 6 लाख रुपए, 6 से 9 लाख रुपए, 15 लाख रुपए से ज्यादा की सालाना आय वालों को 30% टैक्स देना पड़ेगा। ये कुछ अलग अलग डिटेल्स आप देख सकते हैं ना। वही देखिए बड़ी खबर, महाराष्ट्र पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 38 लाख रुपए के 3 इनामी नक्सलियों को ढेर कर दिया, दलम कमांडर भी इसमें शामिल है। अच्छा, मौसम खराब हो रहा है, इसके चलते केदारनाथ यात्रा में दर्शन का समय बदला गया है। अब तक 1 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन कर लिए हैं। और अब रात्रिकालीन विशेष पूजा भी रात 11 बजे से शुरू की जा रही है। मंदिर में साफ सफाई का मैनेजमेंट का टाइम भी कम किया गया और दोपहर 3 बजे के बजाय 3:30 बजे मंदिर बंद होगा और शाम को 4:30 बजे वापस खोल दिया जाएगा ना। वही देखिए बड़ी खबर, सूडान में लड़ाई के बीच सेंट्रल बैंक में आग लग गई। अब तक आपको बता दूं, सूडान में फंसे 3,000 भारतीय लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया। 186 लोगों के साथ कोच्चि पहुंचा वायुसेना का एक और विमान। और उत्तर प्रदेश में भी देखिए, यूपी के 391 लोगों की घर वापसी हुई सूडान से, तो काफी खुश नजर आए हैं। मुख्यमंत्री ने हेल्प डेस्क को 24 घंटे सक्रिय रखने का निर्देश भी दिया है। अच्छा, अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से शुरू होगी, आपको बताऊंगा। और इस अमरनाथ यात्रा से संबंधित कुछ गाइडलाइंस हैं जो आपको जरूर जान लेनी चाहिए। एक तो ध्यान रहे, ऑक्सीजन की कमी से हार्ट अटैक का रिस्क रहता है, तो जिन लोगों को सांस से संबंधित कोई दिक्कत है वे लोग चारधाम यात्रा पर नहीं जा सकेंगे। इसके लिए कुछ और नियम कानून कायदे भी बनाए हुए हैं सरकार ने। जैसे देख सकते हैं, अमरनाथ यात्रा का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी है। 5 तो पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए होते हैं, फिर आधार कार्ड, वोटर आईडी प्रूफ जैसा कोई आईडी प्रूफ चाहिए होता है, और एक मेडिकल सर्टिफिकेट की भी जरूरत पड़ती है। इसके अलावा भी देखिए आप, अमरनाथ यात्रा पर ये मरीज नहीं जा सकते हैं, इनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आपको बीपी यानी ब्लड प्रेशर से संबंधित कोई दिक्कत है, डायबिटीज, मिर्गी का दौरा आता, हाइपरटेंशन, जॉइंट पेन होता, जोड़ों में दर्द होता या सांस की बीमारी है, तो आप अमरनाथ यात्रा नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा ना। वैसे रजिस्ट्रेशन आप कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए 3-4 तरीके हैं। आप ऑनलाइन मोबाइल ऐप के जरिए भी कर सकते हैं, वेबसाइट या ऑफलाइन तरीके से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ध्यान रहे, अमरनाथ यात्रा पर जाने समय अपने साथ ये 6 डॉक्यूमेंट्स जरूर रखें ताकि आपको कभी कोई दिक्कत ना हो। और इंपोर्टेंट कुछ जरूरी चीजें भी हैं, इनको भी आप साथ में कैरी कर लें तो मजा आ जाएगा, है ना। और वह देखिए बड़ी खबर, आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार हो चुका है। 8 मई को अब इस मामले पर सुनवाई होगी। IAS जी कृष्णैया की पत्नी ने याचिका दायर की है इनकी रिहाई के मामले के खिलाफ वापस सुनवाई को लेकर। तो अब देखते हैं 8 मई को सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है। वैसे पंजाब के लुधियाना में जो गैस लीक का मामला हुआ ना, जिसमें टोटल 11 लोगों की जान चली गई, उसमें देखिए एक तो पूरा डॉक्टर का परिवार है जो पूरी तरह से खत्म हो गया। बड़े दुख की बात है, इनके पापा अपनी बेटी को भी डॉक्टर बनाना चाहते थे, 1 साल का बच्चा भी अनाथ हो गया। जहरीली गैस का भेंट चढ़ा डॉक्टर और उसका पूरा परिवार, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, बड़ी भावुक कर देने वाली घटना है वाकई में। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। अच्छा, वह देखिए आपकी जिंदगी में प्रेरणा देने वाली एक खबर बताता हूँ। 22 साल की नंदनी इनका नाम है, जो मुंह से पेंटिंग बनाती है। अभी हाल ही में पीएम मोदी की मन की बात का जो 100वां
एपिसोड आयोजित हुआ ना, तो इसकी भी इन्होंने पीएम मोदी की तस्वीर बनाई। ये खुद की कमी को अपनी ताकत बना रही है। जरा देखिए लोगबाग सही सलामत होने के बावजूद हिम्मत हौसले हार जाते हैं, लेकिन नंदनी के जज्बे और हौसले को तो वाकई में सलाम। ये राजस्थान के अजमेर की रहने वाली है, पेंटिंग में इनका इंटरेस्ट है और ये देख सकते हैं मुंह से भी कितनी अच्छी अच्छी तस्वीरें बनाती है। बेस्ट ऑफ लक हमारी तरफ से भी नंदनी को। अच्छा मैं देखिए बड़ी खबर, पसमांदा मुस्लिम और बीजेपी का अभियान 10 मई से शुरू होगा। मुस्लिम बहुल 65 लोकसभा क्षेत्रों में 3.25 लाख मोदी मित्र करेंगे भाजपा का प्रचार। वैसे दोस्तों अभी हमारे भारत देश के राज्यों में मुस्लिमों की आबादी कितनी है, अलग अलग राज्यों में इसका प्रतिशत भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर भारत के नक्शे में, है ना। वहीं देखिए बड़ी खबर, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को मिले 7 नए जज। जबलपुर में चीफ जस्टिस रवि मलिमठ ने इनको शपथ दिलाई। अब टोटल जजों की संख्या 37 हो चुकी है। वैसे मध्य प्रदेश में डॉक्टर्स भी हड़ताल पर जाने को तैयार है। जहां एक तरफ आशा कार्यकर्मी और संविदा स्वास्थ्य कर्मी पहले से आंदोलन कर रहे हैं, अब डॉक्टर भी हड़ताल के लिए चेतावनी दी है एमपी सरकार को। मई महीने में हड़ताल करेंगे ये। और वहीं देखिए बिहार राज्य में भी वंदे भारत ट्रेन को 10 मई से चलाने की तैयारी की जा रही। 8 कोच की रांची पटना वंदे भारत ट्रेन 6 घंटे में तय करेगी दूरी। हजारीबाग होते हुए ये चलेगी और उम्मीद है कि इसी महीने इस ट्रेन को चालू किया जा सकता है। बड़ी खबर है पंजाब सरकार का फैसला, 13,000 टीचर इसी महीने पक्के होंगे। पंजाब के शिक्षा मंत्री बोले कि कैबिनेट की मीटिंग करेंगे और अड़चन दूर होगी, रेगुलर के नियुक्त पत्र भी देंगे। पिछली सरकार के वक्त स्कूलों में ड्रॉप आउट रेशियो क्या था और इसके बारे में भी पंजाब सरकार ने बताया, आप देख सकते हैं। बड़ी खबर है उद्योग स्थापित करने के लिए NHAI से होगा MOU। मुंबई एक्सप्रेस वे पर 250 करोड़ में वेयर हाउस बनाने की तैयारी में है राज्य सरकार। हरियाणा में मुंबई एक्सप्रेस वे के आसपास के इलाके को सरकार औद्योगिक इलाके के रूप में प्रयोग करेगी और इसके लिए एक्सप्रेस वे के दोनों ओर वेयर हाउसेज बनाए जाएंगे, जहां मतलब कंपनीज अपने स्टॉक्स वगैरह रख पाएंगी, ई कॉमर्स कंपनीज वगैरह वेयर हाउसेज को रेंट पर ले सकेंगी। ये मतलब सरकार एक अपनी कमाई के लिए नया साधन बनाने की सोच रही है। अच्छा मैं देखिए बड़ी खबर, मजदूर दिवस के मौके पर भी ये डेटा आ रहा है। कोलान के श्रमिक बढ़ी हुई पेंशन लेने में उदासीन नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन 50,000 पेंशन धारकों में से केवल 53 लोगों ने आवेदन किए हैं। वैसे आपको बता दूं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO के तहत निबंधित श्रमिकों को EPS 95 के तहत बढ़ी हुई पेंशन लेने के लिए केंद्र सरकार ने 3 मई अंतिम तारीख निर्धारित कर रखी है और इसका आवेदन भी ऑनलाइन ही किया जा सकता है, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। आप अपने नजदीकी ई मित्रा पर जाकर या इस पोर्टल के जरिए भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं बढ़ी हुई पेंशन पाने के लिए, है ना। किसान भाई लोगों के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी आ रही है। देखिए आप बारिश ओले से खराब हो गई, अगर आपकी फसल तो निराश ना हो, ऐसे आपको बीमा राशि का क्लेम मिलेगा, मुआवजा मिलेगा फसल का। अगर आपने प्रधानमंत्री किसान फसल बीमा योजना के तहत अपनी फसल का बीमा करा रखा तब तो अच्छी बात है, नहीं भी करा रखा तो आप बीमा कैसे करवा सकते हैं इसकी जानकारी भी आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, क्योंकि अभी मैं एक एक पॉइंट को बोलूंगा तो काफी ज्यादा देर लग जाएगी। और इसके अलावा भी आपको किसी तरह की हेल्पलाइन चाहिए ना, तो ये अलग अलग नंबर दिए हुए टोल फ्री नंबर, यहाँ पर आप कॉल करके सहायता ले सकते हैं पीएम फसल बीमा योजना के बारे में किसी भी तरह की हेल्प, है ना। और मैं देखिए बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सरकारी नौकरी में 58% आरक्षण पर लगी रोक को सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया, यानी कि अब छत्तीसगढ़ में भर्ती प्रमोशन और एडमिशन में 58% आरक्षण मिलना वापस शुरू हो गया। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं, कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये राज्य सरकार और छत्तीसगढ़ वासियों दोनों को ही बड़ा राहत दिया गया है। वहीं देखिए बड़ी खबर, यूरोप और US में बैंकिंग क्राइसिस के बीच हमारे भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने भी भारतीय बैंकों को एक बड़ी चेतावनी दी है और निर्देश दिया, कहा कि जब समय अच्छा चल रहा हो तब भी हमें बुरे समय की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास बोले कि बैंकों को अपने रिटेल पोर्टफोलियो में स्पेशली अनसिक्योर्ड लोन पर नजर रखनी चाहिए, जिसमें पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, स्मॉल बिजनेस लोन और माइक्रो फाइनेंस आदि तरह के लोन शामिल हैं। इन पर बैंक नजर रखें और ये पता लगाएं कि कितना अनसिक्योर्ड लोन है, क्योंकि चेतावनी के बाद भी अनसिक्योर्ड लोन काफी ज्यादा बढ़ रहा है। और देखिए अब सरकारी बैंकों पर भी लोन रिकवरी का प्रेशर बढ़ रहा है। बट्टे खाते पड़े 2,00,000 करोड़ वसूलने का टारगेट दिया है RBI की तरफ से। NPA के अलग अलग प्रावधान भी बनाए गए हैं। अच्छा अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा मेरे साथ। LPG रसोई गैस सिलेंडर के प्राइस वगैरह को लेकर अपडेट है, सोना चांदी पेट्रोल डीजल के भाव भी जानेंगे, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए 11 राज्यों में अगले 2 दिन और ओले और बारिश का अलर्ट जारी किया हुआ मौसम विभाग ने। दिल्ली NCR में 3 दिन तक जारी रहेगा बारिश का सिलसिला। हरियाणा में भी आज से 4 दिन आंधी बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी है। 2 मई के लिए तो ऑरेंज अलर्ट जारी कर रखा है। राजस्थान में देखिए बारिश और नाले के बहाव में फंसे 6 लोग, अस्पताल के वार्डों में भरा पानी, 12 साल में पहली बार मई में इतनी ठंड का माहौल भी देखा जा रहा, मतलब पता ही नहीं चल रहा है कि गर्मी चल रही है या बारिश का मौसम आ गया। कई जगहों पर वाकई में लिटरली ऐसे हालात हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी देखिए जबलपुर, मंडला, बालाघाट में भारी बारिश का अलर्ट है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन में ओले गिरेंगे। 24 शहरों में पारा और कम हुआ। तो वहीं पूरे बिहार में भी आंधी बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट है। समस्तीपुर में सुबह सुबह घना कोहरा छाया, कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। लखनऊ, नोएडा में भी आंधी के साथ तेज बारिश के आसार है। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में सभी के सभी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। देखिए यूपी में गाजियाबाद एक्सप्रेस वे और हाईवे पर भी कितना पानी भर गया। तेज बारिश से बुलंदशहर रोड से लेकर दिल्ली बॉर्डर तक जगह जगह जाम भी लग गया। गुजरात के भी सौराष्ट्र में भारी बारिश की चेतावनी है। 3 दिनों से जारी बरसात से फसलों को काफी नुकसान हो रहा है। देखिए स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर
प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा में भी बारिश की संभावना है और केरल, आंतरिक कर्नाटक, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार वगैरह में भी बारिश बरस सकती है। वही देखिए राजधानी दिल्ली में अभी मतलब इतनी साफ हो गई ना दिल्ली, प्रदूषण इतना कम हो गया जितना की लॉकडाउन में भी साफ नहीं थी। अप्रैल ठंडा ही नहीं रहा बल्कि 8 सालों में दूसरा सबसे साफ महीना भी रहा दिल्ली का, है ना। और चलिए दोस्तों मौसम के बाद आज के कोरोना बुलेटिन पर भी नजर डाल लेते हैं। देखिए राहत की खबर आ रही है, कोविड 19 के मामलों में गिरावट आई है। पिछले 24 घंटों के दौरान भारत में 4,283 नए मामले आए जबकि 14 लोगों की मौत हुई और एक्टिव केस भी लगातार 8वें दिन घटे हैं, कम पड़े मतलब। देखिए अभी भारत में सक्रिय मामलों की संख्या 47,246 चल रही है। वही कोरोना पर केंद्र सरकार ने हरियाणा राज्य को सेकंड वार्निंग दी, यानी दूसरी चेतावनी दी। वीकली रिपोर्ट में दिल्ली के बाद 9% सैंपल पॉजिटिव आ रहे हरियाणा में। हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर सरकार को केंद्र सरकार ने ध्यान देने को भी कहा है। राजधानी दिल्ली के लिए भी राहत की बात है, लगातार दूसरे दिन कोरोना के मामलों में कमी आई। 24 घंटों के दौरान 405 नए मामले आए, 3 लोगों की जान गई। बिहार में 136 नए मरीज आए 24 घंटों में। बिहार के गया में भी देखिए 19 नए कोरोना पॉजिटिव आए और छत्तीसगढ़ में देखिए 24 घंटों में 71 नए पॉजिटिव मरीज मिले, है ना। और चलिए कोरोना के बाद दोस्तों देश से जुड़ी कुछ और इंपोर्टेंट खबरें देख लेते हैं। देखिए मई महीने से देश में 6 बड़े बदलाव लागू हो चुके हैं। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर एक तो पहले ही दिन 171.50 रूपए सस्ता हुआ। स्पैम कॉल और SMS वगैरह पर ट्राई ने पाबंदियां लगा दी है। ATM ट्रांजेक्शन फेल होने पर चार्ज देना पड़ेगा आपको PNB वगैरह में। ये नए नियम मैंने आपको कई बार बता दिए, अब मैं आपको वापस नहीं बताने वाला हूँ। Subscribe and press the bell icon for latest update. Subscribe and press the bell icon for latest update. Subscribe and press the bell icon for latest.